हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तीन बड़े रीजन जिनकी वजह से आदि पुरुष इतना बड़ा फेलियर साबित हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना कोई पार्ट स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो तीन मेन पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ उनमें से सबसे पहला है VFX इंतजाय, दूसरा है स्टोरी और मूवी की राइटिंग, और तीसरा है द विजन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर का व्यू है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है VFX CGI, तो VFX के ऊपर मुझे बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं VFX कितने ज्यादा खटिया थे इस मूवी के अंदर। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये किसी मूवी के VFX है, जैसे कि हम कोई थर्ड ग्रेड या बी ग्रेड की वीडियो गेम खेल रहे हैं। 700 करोड़ लगाने के बाद भी अगर ऐसे VFX फ्लेवर होते हैं तो वो एक मूवी का सबसे बड़ा मेजर काज बनता है मूवी के फेलियर होने का, क्योंकि इस मूवी के अंदर 8000 से भी ज्यादा VFX शॉट है जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो कंक्लूजन के लिए एंड गेम का मैं एग्जांपल लेता हूं। एंड गेम के अंदर भी सिर्फ 2700 शॉट थे VFX के। तो VFX की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन क्वालिटी इतनी घटिया थी कि वो एक वीडियो गेम लग रही थी। इसी वजह से ये मूवी एक बहुत बड़ा फेलियर हुई है। अगर सेकंड नंबर पॉइंट पर आए तो वो है मूवी की स्टोरी एंड राइटिंग। तो मूवी की जो स्टोरी है वो रामायण के ऊपर बेस्ड है, जिनको इन्होंने पूरी तरह से पुल ऑफ ही नहीं किया है। आज से 20 साल पहले बनी हुई मूवीज भी इससे कई गुना ज्यादा अच्छी तरह से इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर चुकी हैं। मूवी की राइटिंग तो इतनी ज्यादा वीक थी कि मूवी के डायलॉग सुनकर तो शर्म आने लग गई थी एक पल को हमें, जिससे मुझे पीजे भैया की एक बात याद आ जाती है कि ये मूवी खराब नहीं है, ये मूवी वाहियात है। क्योंकि इन्होंने मूवी की स्टोरी का जो मजाक बनाया है, ये मूवी हम किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते कि ये रामायण की स्टोरी है। इसी के साथ तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि द विजन ऑफ डायरेक्टर, जो कि घटिया तरीन था। VFX और CGI तो बाद में आता है, सबसे पहले तो हम विजुअलाइज करते हैं कि मूवी दिखनी कैसी चाहिए होती है। आदि पुरुष मूवी के अंदर भगवान राम राम नहीं लग रहे, रावण रावण नहीं दिख रहा, और जो रावण की लंका है वो सोने की लंका कम कोयले की लंका ज्यादा लग रही है, और ये वानर सेना कम प्लेनेट ऑफ द एप्स के बंदरों की सेना ज्यादा लग रही है। ऊपर से मूवी के अंदर अपने घटिया VFX को छुपाने के लिए मूवी को इन्होंने इतना डार्क कर दिया, जैक स्नाइडर भी एक पल के लिए शर्मा जाए। तो ये थे वो तीन सबसे बड़े रीजन जिसकी वजह से आदि पुरुष इतना बड़ा फेलियर साबित हुई है। तो एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा यूथ इससे कई गुना ज्यादा एक अच्छी रामायण के ऊपर बनी हुई मूवी डिजर्व करता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाना। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।